साल के अंदर मैं 3 प्लॉट ले लूंगा। जैसा आपको पता 2022 मेरे लिए कितना अच्छा रहा, तो मैंने कार ली टाटा नेक्सॉन, एक प्लॉट लिया है। मुझसे अलावा यहाँ कोई भी नहीं है। कैसे हो दोस्तों? बहुत ज्यादा खुश हूँ, इतना खुश हूँ बहुत ज्यादा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं 5 सरप्राइज आपको देने वाला हूँ, उसमें से एक सरप्राइज बाकी रह रहा था और वो आज मैं आपको देने वाला हूँ, पूरा बताने वाला हूँ। और मैं इतना खुश हूँ बहुत ज्यादा कि मतलब मैं सोचा भी नहीं था कि एक साल के अंदर मैं 3 प्लॉट ले लूंगा। जैसा आपको पता 2022 मेरे लिए कितना अच्छा रहा और 2023 भी कितना अच्छा रहा। 2023 में सबसे पहले मैंने कार ली टाटा नेक्सॉन, जो भी लगभग 12.5 लाख रुपए की है। और आज मैंने एक प्लॉट लिया है जो कि डासना में है, और उस प्लॉट की रजिस्ट्री भी हो चुकी है। वहीं जा रहा हूँ दिखाने के लिए कि वो प्लॉट कितना बड़ा है। मज़ा आने वाला है, मतलब मैं इतना खुश हूँ। जब मैं कोई चीज़ अचीव करता हूँ ना, तो सबसे पहले मेरा मन होता है कि मैं ब्लॉग बनाऊँ और आपको बताऊँ कि मैंने अचीव किया है। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब 2022-23 दो साल के अंदर, वो बंदा तो 2018 में जैसे नौकरी से निकाल दिया था और 2018 के लास्ट में, और 2019 के बाद वो अपना सफर यह शुरू करता है YouTube पर, और 2019, 20 और 21 को छोड़ने के बाद 22 और 23 में बहुत सारी चीज़ें अचीव कर लेता है। आज मेरे पास 3 प्लॉट है, और ये प्लॉट भी जो है 100 गज से ज़्यादा का है, लगभग 113 गज का है। तो इस प्लॉट को हम जा रहे हैं। ये जो रोड है, जिस रोड पर मैं चल रहा हूँ, ये जो रोड है, ये रोड है तुम्हारे की जब मैं अपने होम टाउन से आता हूँ स्वार से दिल्ली, और स्वार से दिल्ली जब जाते हैं तो बीच में डासना पड़ता है। ये मान लीजिए कि जब हम दिल्ली से आते हैं तो 30 किलोमीटर के पास जो है डासना पड़ता है गाजियाबाद, वहाँ से हमें यू टर्न लेना है और हम इसी जगह में जा रहे हैं। अगर मैं एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूँ तो मसूरी और मसोता के बीच में जगह है, वहीं पर हम जा रहे हैं। और बहुत एक तरह से आने वाले समय में वो एक पॉज एरिया होने वाला है, और ये प्लॉट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ब्लॉग को शुरू कर। तो भाई अभी हम जो जा रहे हैं ना, वो होम टाउन से आया हूँ, और होम टाउन से हम जा रहे हैं दिल्ली के तरफ, और यहाँ से हमें जो है यू टर्न लेना है जहाँ से हम डासना के लिए मुड़ जाएंगे। और एक बात तो कहना चाहता हूँ कि देखो ये कार में कितनी आसानी से चलाना सीख गया, दिल्ली से मैं होम टाउन ले जाता हूँ, होम टाउन से दिल्ली जाता हूँ, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, इसमें गियर की कोई टेंशन है नहीं। तो अगर आप नौ सीखिया है या आपसे कार चलानी नहीं आती और आपका मन है, तो मेरे हिसाब से आप ऑटोमेटिक कार लें, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, इससे ज़्यादा ईजी नहीं देखी, और बहुत साफ कार चला लेता हूँ मैं। तो अभी यहाँ से हम आगे जो है टोल टैक्स आ रहा है, यहाँ से हम यू टर्न लेंगे और डासना के लिए मुड़ेंगे। तो मैं एग्जैक्ट अभी आपको उसी लोकेशन पे लेकर चल रहा हूँ, अभी आप सामने का व्यू देख सकते हो। अंदर चलेंगे तो यहाँ से लगभग हमें जो चलना है लगभग 6 किलोमीटर चलना है। तो अभी हम चल रहे हैं और उसके बाद जो है हम उस जगह पहुँचने वाले हैं। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, हद से ज़्यादा खुश हूँ। मतलब एक ऐसा फील होता है कि शायद आज पापा होते ना तो मैं पापा को बताता तो वो एक अलग ही फील आ पाता कि, बट पापा नहीं है। तो ये कम एक मेरे लिए तो बहुत अचीवमेंट है कि एक साल के अंदर 3 प्लॉट आप लेते हो, और तीनों 100-100 गज के हैं, और हम जो दिल्ली में रहते हैं वो 60 गज में रहते हैं, तो मैं उसको रिलेट कर सकता हूँ। खैर अभी हम चल रहे हैं आगे। तो यहाँ से भाई देखो हम थोड़ा सा कट ले रहे हैं अंदर के लिए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक आइडिया हो जाता है कि आप लोग अगर इधर से आना चाहो तो इधर से आ सकते हो। तो भाई ये जो रास्ता है ना, सीधा का सीधा पक्का रास्ता बना हुआ है, सीधा मेरे प्लॉट में जाता है, यानी जिस सोसाइटी में मैंने प्लॉट लिया है, तो वहीं जा रहे हैं। और लोकेशन तो मुझे पसंद आई। और एक चीज़ बता दूंगा आपको मैं कि ये जो वीडियो है ना भाई, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, कि बस मुझे प्लॉट पसंद आया तो मैंने लिया फ्यूचर के लिए। तो ऐसा नहीं है कि प्लॉट वाले ने मुझे पैसे दिए हुए, कुछ नहीं है। बाकी जाकर मैं आपको प्लॉट दिखाऊंगा, पसंद आएगा आपको, इतना मुझे उम्मीद है। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अपने प्लॉट पर, और ये सामने जो सोसाइटी देख रहे हो ना, ड्रीम वैली, इसी के अंदर हमने प्लॉट लिया है। और ये बहुत बड़ी सोसाइटी है, देखो उधर से दीवार शुरू होती है और उसका एंड बहुत बड़ा है, और अभी इसी के अंदर हम चल रहे हैं। और कल ही मैंने इसकी जो है सारे डॉक्यूमेंट्स जो है कंप्लीट हो गए। तो ये है ड्रीम वैली IS वुल टैक के नाम से, और इसी के अंदर हमारे प्लॉट है जहाँ हम जा रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हो ये पूरी सोसाइटी, पूरी की पूरी प्लॉटिंग है ये, और बहुत बड़ा इनका प्रोजेक्ट है। और मैं आपको अब अपना भी प्लॉट दिखाऊंगा यहाँ पे। बीच में इन्होंने शायद जो है होता ना, एक तरह से मीटिंग पॉइंट वगैरह इस तरीके से होता है, बुक शायद दे दिया इन्होंने, मतलब सोसाइटी बना के देंगे पूरी। अभी तो ये प्लॉट काट रहे हैं, और यहाँ पर देखो सामने कुर्सी वर्सी रखी हुई हैं बहुत सारी, यहाँ पर इनके जब कस्टमर वगैरह आते होंगे बैठते होंगे। चलो मैं अभी आपको अपना प्लॉट दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ तो सारी कुर्सी खाली पड़ी है, कुर्सी देखो, तो यहाँ पर जो कस्टमर वगैरह आते हैं ना उनके बैठने के लिए इनके पास जो है अरेंजमेंट है,
आज चलो चलते हैं बाहर। आज तो लग रहा है मुझसे अलावा यहाँ कोई भी नहीं है, पीछे सारी की सारी सीट खाली पड़ी है। भाई मैं जिस दिन भी जाता हूँ ना तो यहाँ पर 10-20 लोग मिलते हैं। खैर चलो अभी आपको अपना प्लॉट दिखाता हूँ। ये भैया सामने दिखाई दे रहे हैं, उनसे पता करूंगा मैं। तो मैंने जो लिया ना प्लॉट, यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है, इस प्लॉट को ना आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो। तो जो मैंने आपको वेबसाइट दी है आई ये वाली, इस पर जहाँ पर एबिलिटी आता है प्लॉट एबिलिटी, वहाँ पर जाकर के प्लॉट भी सर्च कर सकते हैं। मेरा प्लॉट भी इस समय आ रहा है ऑनलाइन। तो चलो अभी अपना प्लॉट को हम जो है देखते हैं। तो भाई मैं आ गया अपने प्लॉट में, यहाँ पर मैंने अपना प्लॉट लिया है। और जैसे आप देखोगे ना गोल सर्कल, तो ये बना के देंगे एक सोसाइटी के अंदर। और ये इसका मेन गेट है ये वाला देख रहे हो। और इधर से भी आप देखोगे तो ये बहुत आगे तक बनी हुई है। जब मैं यहाँ पर आया था तो वहाँ 4 प्लॉट बिके हुए थे, बट इस समय आप एबिलिटी देखोगे ना तो लगभग 80% प्लॉट बिक चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्लॉट की कि इसे ना आप ऑनलाइन भी देख सकते हो। ये जो वेबसाइट देख रहे हो ना, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो उस पर लिखा हुआ आएगा कि योर प्लॉट एबिलिटी। उस पर जाओगे आप तो ड्रीम वैली का ऑप्शन आएगा, ड्रीम वैली, उस पर क्लिक करोगे। ड्रीम वैली के बाद नीचे आएगा प्लॉट, फ्लैट पे नहीं प्लॉट पे क्लिक करना है। और उस पर करने के बाद वहाँ पर जो मेरा जो है वो बी में है, तो मैंने जैसे बी क्लिक किया तो वहाँ पर सारे आ जाते हैं। तो अभी मैं आपको प्लॉट दिखाता हूँ। यहाँ से मेरा चौथा प्लॉट है, ये एक प्लॉट हो गया, मेरा दूसरा हो गया, मेरा तीसरा हो गया, आगे वाला चौथा है। अब ये रोड दे रहा है, रोड भी बहुत बड़ा है। तो ये मैंने एक तरह से फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से लिया है, आने वाले 2-3 साल में बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीछे आप देखोगे रेलवे है पीछे, इधर हॉस्पिटल है, और इधर पीछे देखो घर बने हुए हैं, ये बने हुए हैं। और इस सोसाइटी में भी, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, लगभग 80% मकान जो है, मतलब प्लॉट जो है, दिखाता हूँ। तो भाई ये वाला मेरा प्लॉट है, ये जो प्लॉट है ये 30x34 का है, 112 गज के आसपास हो गया, 30x34 आप देखोगे इस पर। तो यहाँ पर एक चीज़ यह है कि जब मैंने प्लॉट लिया तो 3-4 प्लॉट थे, अब तो बहुत सारे प्लॉट हो गए। सबसे अच्छी चीज़ लगी कि ट्रांसपेरेंटी, जैसे मैं कहूँ कि ट्रांसपेरेंसी जो मैंने इनके अंदर देखी, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगा, और ये है कि भाई मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने लिया। तो ये मेरे एक साल के अंदर जो है तीसरा प्लॉट है, और ये आपके प्यार की बदौलत पॉसिबल हो पाया। अच्छा लगता है कि जब आप लाइफ में कुछ अचीव करते हो। और अभी जो आपने देखा मैं घर क्यों नहीं बना रहा, बहुत सारे क्रिएटर घर बना रहे हैं, मैं इसलिए नहीं बना रहा कि बना लूँगा आराम से, बट ऑनेस्टी, अगर रेट की बात बताऊँ तो यहाँ पर रेट तो 10,500 का चल रहा है, 10,600 का भी है। ये मुझे तो डिस्काउंट दिया था इन्होंने, तो मुझे 10,000 का रेट दिया। तो ये मुझे प्लॉट पड़ा है 11,30,000 रुपये का, 11,30,000 का प्लॉट पड़ा है। उसमें मैंने 40% पेमेंट कर दी थी, अब मैंने कल परसों इसकी पूरी पेमेंट कर दी है, तो मेरी रजिस्ट्री भी इसकी हो गई। अब बाउंड्री करानी है, तो मैंने बाउंड्री की बात पता करी थी। तो बाउंड्री दो तरीके से होती है, एक तो पक्की बाउंड्री है तो उसके 80,000 रुपये बता रहे थे, एक होती है कि तार फेसिंग वाली होती है कि तार लगा देंगे, उसके इन्होंने बताया मुझे लगभग जो है 27,000 रुपये। तो मैंने यार चलो आगे के लिए काम आएगा तो यह पक्की बाउंड्री करा लेंगे। तो पक्की बाउंड्री में यह है कि जैसे बाउंड्री करा कर देंगे, और ये है, ये सारे जो प्लॉट है 30x34 के, इस साइड भी 30x34 के हैं, और इस साइड भी 30x34 के हैं, पूरी सोसाइटी है। अभी आप इसमें तो एबिलिटी कोई भी देख सकता है, जैसे अभी आप वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ सर्च करोगे ना कि प्लॉट एबिलिटी, तो वहाँ से आएगा। इनके कई सारे प्रोजेक्ट है, ये वाला जो प्रोजेक्ट है ना ड्रीम वैली के नाम से, तो आप सर्च करोगे ये, और उसके बाद सर्च आई मतलब ये एस बुल टैक, उसके बाद ये है ड्रीम वैली, उसके बाद प्लॉट, क्योंकि फ्लैट तो है नहीं है तो प्लॉट, उसके बाद जो है बी फेसिंग में। तो आप मेरा भी सर्च कर सकते हो, आप भी देख सकते हो कि मेरा प्लॉट ये है। ऐसा तो नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये बहुत सारे क्रिएटर क्या करते हैं वीडियो बनाने के लिए झूठ बोल देते हैं कि मैंने प्लॉट लिया, भाई ऐसा नहीं है। आप खुद सर्च कर सकते हो, वहाँ पर मोहम्मद दरबार जाएगा, मेरा पड़ोसी किसने लिया है वहाँ पर सर्च करोगे, उसका भी पता चल जाएगा, यानी जिसका भी आप देखोगे वो पता चल जाएगा। तो आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हूँ, अच्छा लगा सब, आपके प्यार की वजह से पॉसिबल हो पाया, और अच्छा लगता है। धीरे धीरे जो है हमारी प्लानिंग है कि हम कुछ और अच्छा करें, और एक दो प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इंशाल्लाह 2023 में मैं आपको 2-3 गुड न्यूज़ और देने वाला हूँ। ये मैं क्यों बोलता हूँ कि गुड न्यूज़ आपके लिए है, क्योंकि मुझे पता आप मुझसे प्यार करते हो, इमोशनली प्यार करते हो। तो जब दो लोग प्यार करते हैं तो एक रूह बन जाती है, एक रूहानी मोहब्बत हो जाती है। तो ये प्लॉट था मेरा, आओ दिखाता हूँ, मैं थोड़ा घुमाता हूँ। ये यहाँ से भाई स्टार्ट होता है, यहाँ से देखो उधर से, और वहाँ से होते 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 अभी तो ये बहुत आगे तक ये है सेल कर रहे हैं, आगे पूरी बाउंड्री कर रहे हैं।
अब भाई सवाल आता है कि आपको लेना नहीं चाहिए, लेना चाहिए नहीं चाहिए, भाई ये आपके ऊपर है। मैंने अपना बताया है, कल को आप कहो यार कि हमने आपकी वजह से ले लिया, भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अपना लिया है, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, ना मैं आपसे कह रहा हूँ आप लो, ना मैं मना कर रहा हूँ आपका, मैंने अपना बताया। क्योंकि ना तो भाई मेरा प्रॉपर्टी का काम है, ना मैं दलाल हूँ, ना को मेरा कोई मतलब, मेरा काम है अपने प्लॉट को दिखाना, वो मैंने आपको दिखाया। बट मुझे अच्छा लगा, ट्रांसपेरेंटी बहुत अच्छी है इनकी, कि आप ऑनलाइन घर चेक कर सकते हो कि भाई अभी इतने प्लॉट बिक गए। इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था जब मैंने 5 महीने पहले लिया था ना, तो मैंने कार ली थी उसमें के आसपास, मतलब उससे पहले पेमेंट हो चुकी थी आधी, तो बोले भाई ये प्लॉट ना बहुत जल्दी बिक जाएंगे। तो जब 4 प्लॉट बिके थे इसके, और आज देखोगे तो लगभग 87% जितने लाल 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 हो रहे हैं सारे प्लॉट बिक चुके हैं। तो चलो चलते हैं। तो भाई ये मेरा प्लॉट था जो मैंने आपको दिखाया, रास्ता भी काफ़ी अच्छा बना रखा है, तो आप देख सकते हो दो तरीके से उन्होंने रास्ता बना रखा है, और काफ़ी अच्छा बना रखा है। मतलब इसलिए तारीफ नहीं कर रहा कि मेरा प्लॉट है, इसलिए है कि इन्वेस्टमेंट लाइफ में ज़रूरी है। मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक तो इंसान के पास होता नहीं, जब होता है ना तो वो क्या करते हैं, अपनी लाइफ को लग्जरी टाइप से जीते हैं। भाई अल्हम्दुलिल्लाह आपके प्यार से मेरे पास आज के साथ दोनों चीज़ें, टाइम भी है और पैसा भी है, लेकिन मुझे डर लगता है कि यार कभी ऊपर वाले ने वापस ले लिया तो क्या होगा, इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। 2 साल के अंदर मेरा 3रा प्लॉट है ये, आपके प्यार की दौलत, और काफ़ी अच्छा लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं। आप लोग भी कीजिए, ये एक मोटिवेशन वीडियो है, बनाने का मकसद आपको ये था, ये बताना नहीं था कि प्लॉट दिया, बताने का मतलब ये था कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें। मैं चाहूँ तो बढ़िया बढ़िया कार ले सकता हूँ, बढ़िया बढ़िया फ्लैट में रह सकता हूँ, नहीं, कोई भी चीज़ ज़िंदगी में स्थायी नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यह जहाँ मैंने जगह ली है उसके साथ 1.5-2 किलोमीटर पर मेन रोड है, और आने वाले समय में 5 साल के लिए भी अगर मैंने छोड़ दिया, 5 साल तो बहुत दूर की बात है, ये डबल ही पैसे छोड़ेगा मुझे प्लॉट। अगर मैंने 11 लाख पे ले आते हैं 22 लाख ही करेगा पूरे के पूरे। खैर दोस्तों, अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ, आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो करो, जो फॉलो वाला बटन है ना उसको तोड़ दो, लेकिन फॉलो करो। अल्लाह हाफिज़।